name is Lakshmi Goswami and welcome to my channel Intimate Viewpoint. Last video में मैंने explain किया था figure of speech, जिसमें मैंने explain किया था figure of speech का definition and type of classification. अगर आपको figure of speech का classification नहीं पता तो आप पहले मेरे last video को देखिए, जिसका link मैंने नीचे description box में डाल दिया है. और आज हम लोग जानेंगे simile and metaphor क्या है. तो चलिए फिर देर न करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस टॉपिक. न्यू जनरेशन में यंगस्टर्स खुश होते हैं कि वो क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, नए हैं. बट बात जब अच्छे और बुरे में डिफ्रेंशिएट की आती है एंड दे अप्रिशिएट द कैरेक्टर ऑफ रावण इंस्टेड ऑफ राम इन रामायण, और किसी मूवीज़ में जब विलेन के कैरेक्टर को पसंद किया जाता है एक हीरो के अपीयरेंस के बदले में, तब क्या बात कंसर्न की नहीं है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस टॉपिक. आज का टॉपिक है सिमिली एंड मेटाफोर. सबसे पहले देखते हैं सिमिली. तो सबसे पहले देखते हैं सिमिली का डेफिनेशन. सिमिली इज अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अलग अलग चीज़ों के बीच कंपैरिजन क्रिएट होता है. दो अलग अलग चीज़ें मतलब तो ऐसे दो वस्तुएं जिनकी नेचर वाइज दोनों अलग अलग हैं, तो ऐसे वस्तुओं के बीच एक कंपैरिजन क्रिएट किया जाता है. फर्स्ट एग्जांपल देखिए, द किंग वाज एज ब्रेव एज अ लायन. यहाँ इस लाइन में किंग को लायन के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जो कि दोनों ही अलग अलग नेचर के हैं. लायन जो कि एक एनिमल है और किंग जो कि एक इंसान है. सेकेंड स्टैंजा में देखिए, ये एक पोएम का स्टैंजा, कुछ लाइंस है, पोएम के कुछ लाइंस है जिसमें देखिए, ओ माई लव्स लाइक अ रेड रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून, ओ माई लव्स लाइक द मेलोडी दैट्स स्वीटली प्लेड इन ट्यून. इन लाइंस में भी लव का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, रेड रोज के साथ, जो कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. फिर थर्ड लाइन में भी लव का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, मेलोडी के साथ, मेलोडी जो कि टेस्ट के अंडर आता है. तो इस तरह से दो अलग अलग नेचर वाले चीज़ों के साथ जो कंपैरिजन होता है, जहाँ कंपैरिजन होता है वही होता है सिमिली. सिमिली को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है क्योंकि सिमिली में बेसिकली कंपैरिजन क्रिएट करने के लिए इन शब्दों का यूज़ किया जाता है, एज, लाइक एज एक्सेट्रा. हम अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे सिमिलीज का यूज़ करते हैं, जैसे एज रेड एज रोज, एज ब्लैक एज ए कोल्ड, एज हार्ड एज ए रॉक, एज क्लियर एज ए क्रिस्टल एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इस तरह के जो सारे कंपैरिजन होते हैं वे सिमिली के अंडर आते हैं. अब चलिए देखते हैं मेटाफोर किसे कहते हैं. अ मेटाफोर इज एन इम्प्लाइड सिमिली. एक मेटाफोर को इम्प्लाइड सिमिली भी कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से सिमिली में दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, उसी तरह से मेटाफोर में भी दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन होता है. लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि सिमिली में कंपैरिजन क्रिएट करने के लिए एज लाइक जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, मेटाफोर में ऐसा नहीं होता. मेटाफोर में एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है. मीन टू से दैट मेटाफोर में ये नहीं कहा जाता कि एक चीज़ दूसरे के समान है, बल्कि ये कहा जाता है कि दोनों चीज़ों का जो क्वालिटीज़ हैं वे दोनों सेम हैं. नहीं समझे? चलिए इस एग्जांपल के साथ अच्छी तरह से समझते हैं. अब इस सेंटेंस को देखिए, ही इज़ एज ब्लैक एज अ कोल. यह सेंटेंस एक सिमिली है क्योंकि यहाँ कंपैरिजन क्रिएट करने के लिए एज का यूज़ किया गया है. लेकिन जब हम इसे इस तरह से कहें ही इज़ अ कोल्ड, तो यहाँ पर एक डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है. मींस ये एक मेटाफोर हो गया क्योंकि यहाँ पर इसे इस सेंटेंस से ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी के कम्प्लेक्शन को इंडिकेट किया जा रहा है और जिसे कोल के साथ, मैंने कोयले के साथ कंपेयर किया गया है.
नाउ लेट्स टेक अनदर फ्यू एग्जांपल्स. फर्स्ट देखिए, द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट. यहाँ कैमल को शीप के साथ कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन यहाँ किसी भी तरह से एज, लाइक एज या लाइक का यूज नहीं किया गया, बल्कि यहाँ एक डायरेक्ट कंपैरिजन है. कैमल को डायरेक्टली शीप कहा जा रहा है. सेकंड में, लाइफ इज अ ड्रीम. लाइफ को ड्रीम के साथ कंपेयर किया गया है, लेकिन यहाँ भी लाइफ को डायरेक्टली ड्रीम कहा जा रहा है. थर्ड में, ही वॉज अ लायन इन द फाइट. वो मतलब फाइट में लायन के समान था, मतलब किसी के ब्रेवरी को लायन के ब्रेवरी के साथ कंपेयर किया गया है. इसके लिए उसे डायरेक्ट ही लायन बना दिया गया है. फोर्थ में, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. वैरायटी को लाइफ का स्पाइस कहा गया है. तो यहाँ भी एक कंपैरिजन है, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन है. तो ये सारे एग्जांपल्स मेटाफॉर का है. एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड इन अ मेटाफॉर एंड एवरी मेटाफॉर कैन बी एक्सपेंडेड इनटू अ सिमिली. इन दिस वे हम कह सकते हैं, रिचर्ड फाउट लाइक अ लायन, जो कि एक सिमिली है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, रिचर्ड वाज अ लायन इन द फाइट, जो कि मेटाफॉर. आई थिंक सिमिली एंड मेटाफॉर आपके सामने क्लियर हो गया है. अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल था, तो एक लाइक तो डिजर्व करते हैं. अगर अच्छा नहीं लगा, कुछ मिसिंग है, तो डिसलाइक करते हुए नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं फिगर ऑफ स्पीच के सारे टाइप्स को नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाली हूँ. आज के वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए बाय.